सेतु जी सामने। और भैया 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 लौट के लौट के लौट के आने दो। कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है, चंदौली भी जा रहे हैं। देखिए मैंने कई बार कहा कि थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं। दबिश देने नहीं जाती है पुलिस, उत्तर प्रदेश में पुलिस दबंगे ही दिखाने जाती है। और जहां बेटी का आरोप हो और परिवार का आरोप हो कि पुलिस ने जान ली है, पुलिस घर में घुसी थी, पुलिस पूरी तैयारी के साथ गई थी कि किसी न किसी की जान लेनी है और जान ले ली, तो इस पर जांच चल रही है, कार्रवाई क्या करेंगे? देखिए मुझे जांच में सरकार की ही जांच हो, मुझे भरोसा नहीं है सरकार की जांच पर। जांच उच्च स्तर की हो और अगर सिटिंग जज के अंदर जांच हो तो कोई उसने हाईकोर्ट के सिटिंग जज अगर जांच करेंगे शायद उस परिवार को न्याय मिलेगा, लेकिन सरकार की जांच से न्याय नहीं मिलेगा। आप ये देखिए थाने में एक ही लोग पोस्टिंग है, कौन थाने में पोस्टिंग करा रहा है, आखिर जिम्मेदार कौन है उसके लिए? अखिलेश जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ज्ञान वापसी के मामले को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी तरह का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज में शांति न रहे, समाज में एक दूसरे से झगड़ा रहे, समाज बट करके रहे, नौकरी बेरोजगारी इन पर बहस न हो। आज सोचिए दुनिया में बीजेपी के लोग कहते थे कि डॉलर की कीमत क्या होगी, आज डॉलर कहाँ पहुँच गया? जो लोग दुनिया में डंका बजाते थे आज बताओ डॉलर के सामने रुपया कहाँ पहुँच गया? हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई? कुछ लोग सब कुछ संसाधन खरीदे ले रहे हैं, न नौकरी है न रोजगार है। इस सवाल का जवाब क्या है बीजेपी के पास? ये बीजेपी लगातार करती रहेगी, जनता को खुद सामने आना पड़ेगा महंगाई बेरोजगारी के लिए। आप बताइए आटा क्या कीमत होगा, सरकारी खरीद गेहूं की नहीं हुई, बिजली महंगी है, बिजली है नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट के वादे किए कोई नौकरी रोजगार लगा नहीं, इन्वेस्टमेंट आया नहीं, गंगा सफाई की बात की आज गंगा में मछलियां डालते ही मछलियां मर रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अगर गंगा में मछली डाली जाए जिंदा मछली हो और मछली मर जाए तो इसका मतलब ये कि डिसॉल्व ऑक्सीजन पूरी की पूरी गंगा की ख़त्म हो गई है, मतलब गंगा में ऑक्सीजन नहीं बह रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बह रही है। अखिलेश जी आजम खान को लेकर हमारा सवाल है कि वहाँ पर क्यों नहीं मिल रहे? आजम खान साहब जब भी आएंगे हम लोग रहेंगे और मिलेंगे उनसे और पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ है। कल पहले भी और उससे पहले भी लगातार जो आजम खान साहब के वकील हैं या उन पर उनके परिवार के जो केस देख रहे हैं उन वकीलों से लगातार मेरी बातचीत और लगातार संपर्क।